Assalamu alaikum, first year commerce students. We have discussed little bit from this chapter. हमने bank phobia को discuss कर लिया था. We have discussed about the writer's behavior. He wanted to meet manager alone. So manager ने क्या perceive किया? He is from Pinkerton. Pinkerton क्या agency है? And he was considering him detective. अब हमें पता था ही इज़ नॉट डिडक्टिव, ही जस्ट वॉन्टेड टू ओपन एन अकाउंट. और इसकी सैलरी जस्ट कितनी रेज हुई थी? $56 इसकी टोटल सैलरी थी. और इंक्रीमेंट कितना लगा था? $50 का इंक्रीमेंट लगा था. प्रीवियसली इसकी सैलरी $6 थी. अब जब वो मैनेजर से अलोन मीट करना चाहता है, मैनेजर उसको डिडक्टिव समझ रहा है, आप वो मैनेजर को क्या बताएगा? और अगर वो सच मैनेजर को बताएगा कि मैं यहाँ पर जस्ट अकाउंट खुलवाने आया हूँ, सो हाउ मैनेजर विल रिएक्ट? हम नेक्स्ट पेज पर देखते हैं. नेक्स्ट पेज की तरफ आते हैं. ओके, दिस इज़ द नेक्स्ट पेज. टू टेल द ट्रूथ आई वेंट ऑन. इफ समवन हैड अर्ज मी टू टेल लाइज अबाउट इट, आई एम नॉट डिडक्टिव एट ऑल. आई हैव कम टू ओपन एन अकाउंट. आप ये डायरेक्टली इसको कह रहा है कि मैं यहाँ पर क्या करने आया हूँ. I wanted to open an account. अब क्या सोचेगा मैनेजर? अब सोचेगा कि ही इज़ वेरी रिच पर्सन, इसके पास इतना पैसा है कि ये अकेले में मिलना चाह रहा है. अब कितनी फ़नी सी बात है, मैनेजर क्या क्या सोच रहा है. और राइटर का तो कुछ अता पता ही नहीं, उसके पास इतने कम पैसे हैं तो भी वो मैनेजर का इतना टाइम वेस्ट कर रहा है. उसको अलग रूम में लेकर गया, इवन मैनेजर ने उसके रूम को लॉक भी किया. अब क्या होता है जब ये बताएगा कि मैं सिर्फ $50 रखवाने आया हूँ, तो मैनेजर का क्या रिएक्शन होगा? हम देखते हैं. आई इंटेंड टू कीप ऑल माई मनी इन दिस बैंक. द मैनेजर लुक रिलीव एंड स्टिल सीरियस. ही फेल्ट श्योर दैट नाउ आई एम वेरी रिच, परहैप्स अ सन ऑफ बैरन रॉथचाइल्ड. ये बैरन रॉथचाइल्ड जो है ना, ये बहुत रिचेस्ट पर्सन का नाम है. और ये अब मैनेजर खुद से शायद परसीव कर रहा होगा कि ये कौन है. सन ऑफ द बैरन रॉथचाइल्ड है, मतलब उसका बेटा है. लार्ज अमाउंट आई सपोज ही सेड. अब मैनेजर से पूछता है, यू वांटेड टू प्लेस योर फुल अमाउंट, मींस यू हैव लार्ज अमाउंट एंड यू वांटेड टू प्लेस दिस अमाउंट इन दिस बैंक. राइटर क्या कहेगा, जरा देखते हैं. फेयरली लार्ज. अब इसके लिए तो ये लार्ज थी. देखो, एक कॉमन पर्सन की सैलरी जो कि पहले $6 थी, एकदम से $50 का इंक्रीमेंट लगा और $56 हो गए, तो उसके लिए तो ये लार्ज थी. लेकिन आप सोचें क्या बैंक वालों के लिए लार्ज होगी? नहीं, बिल्कुल भी नहीं. बैंक वालों के लिए लार्ज नहीं, वो तो मिलियंस में बात करते हैं. ये तो बस $56 की बात हो रही है. आई देखें, आई विश फॉर आई इंटेंड टू प्लेस इन दिस बैंक द सम ऑफ द $56 नाउ एंड $50 अ मंथ रेगुलरली. अब देखो, इसे सच बता दिया कि उसको कितने पैसे रखने हैं. अब मैनेजर का रिएक्शन देखते हैं. द मैनेजर गॉट अप. अब मैनेजर को कंट्रोल नहीं हो रहा, ही कैन नॉट कंट्रोल हिज एंग्जाइटी हिज एंगर. ये जस्ट स्टैंड अप हो जाता है एंड ओपन द डोर. और गुस्से में वो दरवाज़ा खोलता ही कॉल टू द अकाउंटेंट. आप वो अकाउंटेंट को बुलाता है. नाउ गर्ल्स रिमेंबर दिस, एमसीक्यूज़ में अकाउंटेंट का नाम आता है तो आपको याद करना है ये रहा अकाउंटेंट का नाम. आप ज़रा वीडियो को देखें, मैं क्लिकिंग कर रही हूँ, आपको दिख रहा होगा. मिस्टर मॉन्टगोमेरी, मिस्टर मॉन्टगोमेरी नाम है इसका. ही सेड अनकाइंडली लाउड, बहुत लाउड, बहुत ज़्यादा गुस्से में वो अपने एम्प्लॉय को बुला रहा है. वो गुस्सा राइटर को नहीं शो कर रहा है, स्टीफन योकुक को नहीं शो कर रहा. वो गुस्सा किस पर निकाल रहा है? वो अकाउंटेंट के ऊपर निकाल रहा है. ही सेड अनकाइंडली लाउड, दिस जेंटलमैन इज ओपनिंग एन अकाउंट, ही विल प्लेस $56 इन इट. गुड मॉर्निंग. अब गुड मॉर्निंग का क्या मतलब होता है? गर्ल्स, हमारी यहाँ पर तंजिया आप सलाम करते हैं ना, जब हम किसी को खुदाफिस कर रहे होते हैं, मतलब हम किसी को चाहते हैं कि वो चला जाए, तो या तो हम खुदाफिस कह देते हैं डायरेक्टली या सलाम कर देते हैं. तो यहाँ पे गुड मॉर्निंग का मतलब है कि वो अब जो आदमी उसके सामने बैठा है, जो पैसे रखना चाह रहा है, वो उसको कह रहा है यू शुड स्टैंड अप एंड यू शुड गो आउट. सो वो खड़ा हो जाता है. स्टूड अप, अ बिग आयरन डोर स्टूड ओपन एट द साइड ऑफ द रूम. गुड मॉर्निंग आई सेड एंड वॉक इन टू द सेव. कम आउट सेड द मैनेजर कोल्डली. अब मैनेजर उसको गुस्से में कहता है कम आउट, बाहर निकलो.
and show me the other way. I went up to the accountant position and pushed the bowl of money at them with a quick and sudden movement as if I were doing a sort of trick. अब देखो आपके हाथ में बाउल, आपके हाथ में एक प्याला है, उसमें आपने पैसे डाले और ज़ोर से पटक के फेंकेंगे सामने वाले की तरफ, तो कैसा फील होगा? मतलब ये शो होगा कि आप कितने नर्वस हैं, कितने ज़्यादा आप ऑड बिहेवियर कर रहे हैं। तो यही ये राइटर शो कर रहा था, उसने एक बॉल में अपनी मनी रखी और ऐसे फेंका जैसे कि वो कुछ करतब दिखा रहे हैं, कुछ ट्रिक कर रहा है। अब ये भी इसका बिहेवियर अच्छा नहीं था। माई फेस वॉज टेरिबली पैल, पैल का मतलब होता है जिसके रंग उड़ जाते हैं। हियर आई सैड पुट इट इन माई अकाउंट, द साउंड ऑफ माई वॉइस सीम टू मी, लेट अस डू दिस पेनफुल थिंग व्हाइल वी फील दैट वी वॉन्ट टू डू इट। ही टुक द मनी एंड गेव इट टू द अनदर क्लर्क, ही मेड मी राइट द सम ऑन द बिट्स ऑफ पेपर। अब देखो जब भी आप बैंक में अपने पैसे रखवाने जाते हो तो थोड़ी बहुत फॉर्मेलिटी हो रही होती है, कुछ आपको फॉर्म्स वगैरह दिए जाते हैं, यू हैव टू फिल दैट फॉर्म इन ऑर्डर टू प्लेस योर मनी इन द बैंक। तो यहाँ पे राइटर के साथ भी यही हो रहा है, इसको कुछ फॉर्म्स वगैरह दिए गए हैं, अब उसको इस फॉर्म को फिलअप करना है। अब देखो इसको पेपर्स दे रहे हैं हाथ में, इसको इस पर लिखना है, वो लिखेगा कैसे? साइन माई नेम इन द बुक। I no longer knew what I was doing. The bank seemed to swim before my eyes. अब इसको ऐसा लग रहा था बैंक घूम रही है इसकी आँखों में, जैसे चक्कर आ रहे हैं उसको, उसके सामने लोग खड़े हुए हैं, इसे साइन करवा रहे हैं, इसके आगे डॉक्यूमेंट्स हैं, पेपर्स लिए जा रहे हैं। नाउ ही इज़ वेरी नर्वस, नर्वसनेस में इसको ऐसा लग रहा है कि बस सब कुछ घूम रहा है, मैं अभी गिर जाऊँगा, ऐसा फील हो रहा है। आप सोचें आप लोगों को भी ऐसा फील होता है। लेट सपोज़ कि आप लोग का फर्स्ट 9 ग्रेड का बोर्ड का एग्ज़ाम था, तो आप सोचें जब 9 का फर्स्ट पेपर की डेट अनाउंस हुई होगी तो आप लोगों को कैसा फील हो रहा होगा। आप सोच रहे होंगे पता नहीं बोर्ड कैसा होगा, हम जाएंगे, कैसा स्कूल होगा, कैसे इन्विजिलेटर होंगे, कैसा पेपर आएगा। आप लोग भी उस टाइम मे बी मुझे नहीं पता, मे बी यू वर नर्वस एट दैट टाइम, क्या पता आप लोग भी नर्वस हो क्योंकि वो आपका फ़र्स्ट टाइम था। अब राइटर का भी फर्स्ट टाइम है बैंक में एंड ही वॉज हैविंग फोबिया, इसलिए ये नर्वस हो रहा है। अब देखते हैं इज इट इन द अकाउंट, अब वो अकाउंटेंट से फिर से पूछ रहा है कि मेरे पैसे मेरे अकाउंट में चले गए। आई आस्क्ड इन अ होलो एंड शेकिंग वॉइस इट इज सेड द अकाउंटेंट, देन आई वॉन्ट टू ड्रॉ अ चेक। अब इसको कह रहा है, जब इसको अकाउंटेंट ने कहा यस योर मनी इज प्लेस इन द बैंक, सो उसको कह रहा है आप मुझे चेकबुक चाहिए। अब वो एकदम से चेकबुक क्यों मांग रहा है ज़रा देखते हैं। अब इसको क्या हो गया, क्या ऐसी और सी हरकत करने जा रहा है, जब पैसे रखवा दिए अब चेकबुक क्यों मांग रहा है, ज़रा देखते हैं क्यों मांग रहा है। माई आइडिया वॉज अ ड्रो ऑफ द $6। अब जब इसको $6 निकालने हैं, अब ये क्या सोच रहा है कि मैं $6 निकवा लेता हूँ मेरे प्रेजेंट इस्तेमाल के लिए। अब जब इसको $6 रखने थे तो पूरे $56 अकाउंटेंट के हाथ में क्यों दिए, $50 भी दे सकता था, उसने पूरे $56 दे दिए अकाउंटेंट के हाथ में। चलो तो अभी बैंक वाले कुछ भी नहीं कहते, इसके हाथ में चेकबुक भी दे देंगे ये $6। अभी ही वॉन्टेड टू ड्रॉ $5 फ्रॉम द बैंक। अब देखते हैं क्या होता है। फॉर द प्रेजेंट यूज समवन गेव मी चेकबुक एंड समवन एल्स बिगिंस टेलिंग मी हाउ टू राइट इट आउट। अब कोई इसके सर पर खड़ा हुआ सिखा रहा है कि हाउ टू राइट समथिंग ऑन द चेकबुक। The people in the bank seems to think that I was a man who earned millions of dollars and was not feeling very well. I wrote something on a check and pushed it towards the clerk. He looked at me. अब ये चेकबुक पे कुछ लिख देता है और क्लर्क के हाथ पे दे देता है। अब क्लर्क उसको बहुत स्टेयर कर रहा है, गौर से देख रहा है। स्टेयर का मतलब है बहुत गौर से देखना, घूरना जैसे बोलते हैं। अब आप सोचें क्यों वो इसको इतने अजीब तरीके से देख रहा है, क्लर्क इसको क्यों देख रहा है, इसने शायद चेकबुक में कुछ गलती की है। अब गर्ल्स कुछ बच्चियां ऐसी भी होती हैं, मैंने खुद भी क्लासों में ऑब्जर्व किया है, जब आप गर्ल्स से गलतियां हो जाती है ना तो वो अपनी गलतियों को हाइड करने के लिए और झूठ बोलना स्टार्ट कर देती हैं, अपनी गलतियों को हाइड करती है। तो यहाँ पे स्टीफन ल्यूकोक के साथ भी यही हो रहा है, इसने कुछ गलती कर दी है चेकबुक पे।
अब वो अपनी गलती को वो हाइड करेगा, वो हाइड कैसे करेगा वो भी बहुत फनी सा एक्ट होगा, वो कैसे हाइड कर रहा है। वॉट आर यू ड्रॉइंग ऑल आउट अगैन, अभी इसने मनी प्लेस किए, अभी उसने सारे पैसे रखवाए अभी अभी, और अभी अभी चेकबुक पर इसने गलती से लिख दिया $56, ये निकलवाना चाहता है, इसको सिर्फ डॉलर लिखने थे, इसने $56 लिख दिए। अब क्लर्क उसको कह रहा है यू वॉन्ट टू ड्रो आउट ऑल योर मनी अगैन, सो आप इसको बता देना चाहिए था ना कि मैंने गलती से लिख दिया चेकबुक पर, एक और चेक बन जाता, इसमें कोई मसला तो नहीं होता। लेकिन इसने अपनी गलती को हाइड करने के लिए अब क्या करता है, ही सेड इन अ सरप्राइज। नेक्स्ट पेज पर आते हैं, अब ये है लास्ट पेज, देन आई रियलाइज दैट आई हैव रिटन $56 चेट ऑफ सेक्स, इट वॉज अपसेट टू रीजन नाउ, आई हैड अ फीलिंग दैट इट वॉज इम्पॉसिबल टू एक्सप्लेन द थिंग। अब राइटर को क्या लगा कि बहुत मुश्किल होगा क्लर्क को समझाना कि मैंने गलती कर ली है, तो ये अब क्या करेगा अपनी गलती को हाइड करने के लिए, अब वो क्या कहता है देखते हैं। ऑल द क्लर्क हैज स्टॉप राइटिंग टू लुक एट मी बोल्ड एंड केयरलेसली इन माई मिस्ट्री आई मेड द डिसीजन यस, ही सेड यस। इस बात पे ये यस कह रहा है, जब इसको क्लर्क कहता है तू सारी मनी निकालना चाहता है, ये कहता है यस। अब देखो कितना पागल है, अभी 2 मिनट पहले उसने बैंक में सारी मनी लिखवाई रखवा दी चेकबुक पर, फिर से ये अपनी सारी मनी को निकलवाना चाहता है, इसने पूरा बैंक का टाइम ही वेस्ट किया। द होल थिंग यू विश टू ड्रो योर मनी आउट ऑफ द बैंक एवरी सेंट ऑफ इट, आर यू गोइंग टू पुट एनी मोर इन द अकाउंट, सेड द क्लर्क एस्टोनिश। अब कितना पागल है, अभी अकाउंट खुलवाया, पैसे भी ज़ाया किए और अभी अकाउंट को बंद भी करवा देगा। Never, a foolish hope came to me. अब गज बताएं, इसके एक्स्ट्रा मनी दे रहे, एक्स्ट्रा मनी दे रहे हैं $56 के यूज़ के नहीं है, ये $50 को सेव करना चाहता था, $6 को ये यूज़ करना चाहता है। अब ये कहाँ छुपाएगा ये $56, जो $50 एक्स्ट्रा है वो कहाँ छुपाएगा, ये बाद में आपको बताऊँगी, नहीं लेक्चर के बाद में बताऊँगी, थोड़ा सा हम रीड आउट कर लेते हैं। The clerk prepared to pay the money. How will you have it? What? How will you have it? Oh, I understood this meaning. I answered without trying to think of $50 notes. देखो अब बैंक वाले से पूछ रहे हैं कि आपको पेनीस में चाहिए या नोट्स में चाहिए, तो वो कहता है नोट्स में चाहिए। अब इसको नोट्स दे रहे हैं कि गिव मी $50 नोट एंड $6 ही सेड इन द $6 नोट आई सेड ही गिव मी $6 एंड आई रश आउट। रश आउट का मतलब है भाग जाना। अब जैसे ही वो भागता है ना तो सारे बैंक वाले हंसने लग जाते हैं। एज अ बिग डोर स्विंग बिहाइंड मी आई हर्ड द साउंड ऑफ द रोर ऑफ लाफ्टर दैट वेंट अप टू द रूफ ऑफ द बैंक। मैं यहाँ तक आपका लेक्चर स्टॉप कर रही हूँ, देन आप लोग रीड करेंगे, अपनी बुक खोल के आप देखें कि वो अब मनी कहाँ सेव करेगा, $50 जो इसके बच गए हैं वो कहाँ सेव करेगा। सेव करने के लिए तो वो आया था बैंक में, अब वो कहाँ पे ये अपने $50 को सेव करके रखेगा, आप लोग सोचें या तो बुक से पढ़ें। ओके, तो ये था माय बैंक अकाउंट, जब वो सारे मनी लेकर बाहर निकलता तो सारे बैंक वाले हंसने लग जाते हैं। अब आप लोग रीड करना कि वो अपने $50 को कहाँ सेव करता है। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, अल्लाह हाफिज़।